सत श्रीकाल पंजाब हरियाणा हिमाचल दी लाइव खबर स्वागत है। मैं भावना खबर की शुरुआत कर दी इस खबर तो पंजाब नू अपराध मुक्त बनाने मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश से पंजाब पुलिस ने कैनेडा स्थित लखबीर लंडा और पाकिस्तान के हरविंदर रिंदा द्वारा चलाए जा रहे अतवादी गिरोह का पर्दाफाश किया है। DGP गौरव यादव ने इस संबंध में ट्वीट करके दसा कि इस दौरान एक AK-56 राइफल मैगजीन 90 जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है। नाल दो मैड्यूल मैंबरों भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने अगे दसा कि गिरफ्तारी स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल वालों की गई है। फड़े गए मुलजमान की पहचान सतनाम सिंह लवजीत वजो हुई है। पुलिस को मिली जानकारी अनुसार दोवें अतवादी पाकिस्तान से बैठे अतवादी हरविंदर सिंह रिंदा संधू, कैनेडा च बैठे लखबीर सिंह लंडा अते इटली च बैठे हरप्रीत सिंह हैप्पी दे संपर्क च सन। दस्या जा रहा है कि विदेशा च बैठे नातवादियां ने ए हथियार ISI दी मदद नाल भारत भेजे सन। मुढ़ली जांच च पता लगा कि गिरफ्तारी अतवादी बलजीत पाकिस्तान च बैठे अतवादी रिंदा दे संपर्क च सी अते 2 साल तो लगातार उस नाल फोन ते गल कर रहा सी। रिंदा फिरोजपुर बॉर्डर ते ड्रोन राही हथियार भेजदा सी अते ए वी हिदायत करता सी कि इन्हां नूं इत्थों लुकाउणा है। जलंधर काउंटर इंटैलीजेंट अमृतसर स्टेट स्पैशल ऑपरेशन सैल वालों इन्हां खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस को अज ISI बैक्ड टेरर मॉड्यूल्स के अगेंस्ट दो वड्डी सफलतावां मिली है। जदों की सैपरेट इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन के विच एक असी युवराज सबरवाल गिरफ्तार किया है जो अमृतसर IED केस का मेन अक्यूज सीगा। इस दे नाल साडी इन्वेस्टिगेशन रैपअप हो गई है। कुल 8 अक्यूज अरेस्ट हो चुके हैं इस केस के विच। इस दी तारां लखबीर लंडा और हरविंदर रिंदा नाल जुड़िया सी। दूजे ऑपरेशन के विच असी बलजीत सिंह अते गुरबख्श सिंह दोवें मक्खू दे सीगे, इन्हां नूं गिरफ्तार कीता है ते इन्हां दे कब्जे तो एक AK-56 राइफल रिकवर कीती है। वध्दे अगली खबर वल। पंजाब विच गैंगस्टर कल्चर इन्ना ज़्यादा वध गया है कि हुण गैंगस्टरां दे ग्रुप ऑनलाइन भर्ती भी करन लग गए ने। नौजवानों नूं अपने नाल जोड़न लई बंबीहा गैंग ने फेसबुक ते पोस्ट लिख के वट्सएप नंबर जारी किया है। सुल्तान दविंदर बंबीहा ग्रुप ते ग्रुप दे अकाउंट तो एक पोस्ट पाई गई है जिस विच लिखा गया है कि जेड़े भरा गैंग विच शामिल होना चाहते हैं वो वट्सएप करन अते नंबर भी फेसबुक ते जारी किया गया है। एक पासे गैंगस्टर फेसबुक आदि ते शरेआम नंबर जारी कर रहे हैं ते अते दूजे पासे पंजाब पुलिस गैंगस्टरवाद नूं खत्म करन दे दावे कर रही है। गैंगस्टर अक्सर फेसबुक आदि ते पोस्टा पा के अते वीडियो आदि बना के अपने आप नूं रोल मॉडल हीरो वजो पेश करके अपनी शोहरत दा प्रदर्शन करते हैं ता जो नौजवान ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद SGPC प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अज बैठक की। इस मौके उन्होंने कहा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय सारे आम सिखा का कतलेआम किया गया। श्री हरिमंदर साहब से हमला होया। श्री गुरु ग्रंथ साहब से गोलियां चलाई गई। असी पिछले हमलों का टाकरा किया पर अज खालसा पंथ की रूह से हमला किया गया है। पर अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 1925 के एक्ट को रद्द करने की हर कोशिश की गई है जो कि बर्दाश्त तो बाहर है। इस नाल ही उन्होंने कहा कि सिख जथेबंदियों की 30 सितंबर को एक बैठक है जिस नुमाइंदियों को पहुँच लिए कहा गया है। नाल ही कहा कि सरकार वालों पंजाब ते हरियाणा के सिखां नूं आपस च उलझाउण की कोशिश की जा रही है। इस वेले सारिया राजनीति पार्टियां वालों हरियाणा का ही पक्ष पूरिया जा रहा है। अगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1925 के गुरद्वारा एक्ट के खिलाफ है। 1925 के एक्ट च सोध तो बिना अधिकार घट नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि फैसला सुनाउण वाली बैंच का एक जज RS नाल संबंधित है। हरियाणा के गुरद्वारा का प्रबंधन SGPC दे कोल सी अते अगे भी रहेगा। उन्हां वल्लों एक मता पास करके हरियाणा कमेटी नूं खारिज कीता ते इस नूं सिख पंथ खिलाफ साजिश दस्या। उस वेले साडे गुरधामां ते हमले कीते गए, सिख ने नवे बना लए, साडे सिंघ शहीद हो गए, सिखां ने रल मिल के उहदे विच अपना योगदान पाया। पर अज जिहड़ा खालसे पंथ की रूह के उत्ते हमला होया अत निंदण योग आ। उस एक्ट नूं अज ढह ढेरी करन दा कोझा जतन किया गया। जिस एक्ट की होंद विच
साडे महान शहीदा ने लंबी सोच रख के इहदी जिहड़ी होंद कायम कीती सी, और ये होंद लगभग उस वेले भी बरकरार रही जदों इत्थे गोरियां दा राज सी। सचखंड श्री दरबार साहब जिथे हर एक वर्ग का व्यक्ति अखंड पाठ साहब रखवा के अपना जीवन सफल बनाना चाहता है, उथे ही दरबार साहब के अंदर अखंड पाठ है। अखंड पाठी अपनी तनखाह ते होर जरूरतां नूं लैके श्रोमणी कमेटी के खिलाफ हुण मोर्चा खोल के बैठ गए ने। तेजा सिंह समुंदरी होल के बाहर पाठी सिंघा ते रागी सिंघा वालों श्रोमणी कमेटी के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। अखंड पाठिया ने कहा है कि जिनी देर तक उन्होंने ये मंगा नहीं मनिया जांदियां उन्नी देर तक वो संघर्ष इसे तरह जारी रखेंगे। दूजे पास इस संबंधी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सकत्तर प्रताप सिंह ने कहा कि वह बाहर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों दी मंगा सुनन पहुंचे सन, तो प्रदर्शनकारियों दी पहले मंगा कुछ होर सी अते बाद विच मंगा कुछ होर हो गईयां। इस दे नाल ही उन्होंने कहा है कि जो ही प्रधान हरजिंदर सिंह धामी मुख दफ्तर विच आउणगे तो प्रदर्शनकारियों दी मंगा बारे उन्होंने जाणू करवाया जाएगा। 2017 च मते पै जी सालाना भेटा में वाधा जी अखंड पाठ सिंह तनखाह वाधा हो, अखंड पाठ सिंह की मैडिकल इंश्योरेंस नहीं वो मैडिकल इंश्योरेंस हो जी जमा सिक्योरिटी वो एफ डी हो जी वाधू अखंड पाठ सिंह की भर्ती की जाती वो बंद हो जी इतने तो चलो इतने जिनी मर्जी भर्ती हो जाए इतने बहुत व्डा आधारा है गुरु घर का बहुत व्डा समुद्र आ इतने सर जाता है जेडे बहरले गुरद्वारा साहबान आ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन उत्थे अखंड पाठ सिंह के किसी के चार किसी पांच छे अखंड पाठ साहब होंगे जे कहन तो भाव कि महीने की चारी पांच छे हज़ार रुपया तनखा बनती उत्थे भी ज जो कि जी करता अखंड पाठ सिंह की भर्ती करी जाते भावें किसी ने संथ्या की जा नहीं की मैनेजर सकत्र ज मैंबर साहबान सिफारिश नहीं करी जाते जी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अज पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी लुधियाना विखे दो दिन किसान अते पशु पालन मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्हां नाल पशु पालन मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल विशेष मेहमान वजो हाजिर होए। तुहानू दस दईए कि इस मेले नूं किसानां नूं नवी तकनीक दे नाल जाणू करवाउण दा अहम जरिया मन्निया जा रहा है। इस नाल इस मेले तो जलवायु परिवर्तन दे प्रभाव नूं घट करन दी कुदरती समस्यावां दी संभाल ते इनपुट्स दी वरतों दी कुशलता नूं वधाउण लई वी उपराले कीते जा रहे ने। इस नाल ही इस समागम दौरान किसानां ते खेती माहिरां ने भी अपनियां नवीआं खोजां पेश कीतीआं। सीएम मान ने उन्हां नाल मुलाकात करके सन्मानित भी कीता। ਆਪਾਂ ਬੀਜ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੀਹਰ ਚੌਹਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਾਹ ਦਈਏ ਆਖਰੀ ਗਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਵੀਆਂ ਪੂਰਾ ਪਲਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਲਓ 25-30% ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉੱਗੂਗਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹੀ ਉੱਗੇ ਜੋ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਤਰਲ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹ ਰਾਏਬਰੇਲੀ ਅਤੇ ਜੌਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲ ਕੂੜੇ ਦੇ ਨਾਕਾਫੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अगवाई वाले बैंच ने कहा कि केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट अनुसार बायो एगमिडेशन नाल प्रदूषण का पद्धर घट नहीं होया। हुण पंजाब सरकार वालों रहन खून का निपटारा करन लई ठोस कदम चुकन की गल कही है। इस दिशा विच कम करदिया सूबा सरकार ने कूड़े अते ठोस रहन खून का निपटारा आधुनिक तकनीक नाल करन दा फैसला किया है। पंजाब दे स्थानक सरकारा मंत्री डॉक्टर इंदरबीर सिंह निज्जर ने यह जानकारी दिंदिया कहा कि पंजाब दीआं वख-वख थावां ते आधुनिक तकनीक नाल ठोस रहन खून दे निपटारे लई 355.17 लख रुपये
रुपए खर्च करने का फैसला किया गया। इस संबंधी टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। डॉक्टर निज्जर ने दसा कि सूबे में पायल रायकोट विखे कूड़े ते ठोस रहन खूंह की समस्यावां तो निजात पाउण तो इलावा समराला अते जगराऊं विखे भी कूड़े अते ठोस रहन खूंह का विज्ञानक ढंग नाल निपटारा किया जाएगा ता जो वातावरण नूं शुद्ध अते प्रदूषित रहित बनाया जा सके। इसे तरह मलोट नूं भी इस फैसले अधीन सुंदर बनाया जाएगा। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की सुरक्षा च वाधा किया गया है। बलकौर सिंह बीते कुछ दिनों तो बीमार चल रहे थे जिसके चलते उन्होंने PGI चंडीगढ़ दाखिल करवाया गया सी, जिते कि उन्होंने कई राजनीतिक आगू भी मिलन पहुंचे जिन्हें भाजपा वर्कर भाजपा आगू सुनील जाखड़ भी शामिल ने। जाखड़ के वालों सिद्धू के पिता की सुरक्षा दे चिंता जाहर करते हुए एक ट्वीट भी किया गया सी ते परिवार दे वल्लों भी मंग की जा रही थी कि उन्होंने हस्पताल के अंदर कई अनपहचाते लोग भी मिलन आते हैं जिसके चलते सरकार दे वल्लों पिता बलकौर सिंह की सुरक्षा च वाधा किया गया। इसके ना ही पुलिस कर्मचारियों का भी कहना है कि बलकौर सिंह के हस्पताल के चारों पासे पुलिसकर्मी तैनात ने जिहड़े कि हर आने जाने वाले का नाम पता पुछते हैं ते चंगी तरह जांच की जा रही है ताकि कोई अणहोनी होने तो बचाया जा सके। पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पुरब को लेकर तैयारियां शुरू कर दी ने। लाहौर में आयोजित एक बैठक में भारत समेत दुनिया भर तो पहुंचने वाले 8000 वीजा देने का फैसला किया है। इस 3000 श्रद्धालु भारत तो आएंगे। इस बैठक की प्रधानगी ETB के प्रधान हैबीबुर रहमान गिलानी द्वारा की गई है। इस बैठक में पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान भाई आमिर सिंह ETPB के उप इंचार्ज सैफुला खोखर के नाल नाल पाकिस्तान रेंजर्स सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में फैसला किया गया कि भारत तो आने वाले श्रद्धालुओं का अटारी वाघा बॉर्डर से स्वागत किया जाएगा। इस विच अधिकारियों ने जानकारी दी है कि इस साल पाकिस्तान 8000 विदेशी सिख श्रद्धालुओं को वीजा जारी करेगा और उन्होंने 10 दिन का वीजा दिया जाएगा। यात्रा 6 नवंबर तो शुरू होगी। पंजाब विच स्वाइन फ्लू ने तबाही मचाउणी शुरू कर दी है। जिस रफ्तार नाल मरीजों की गिनती वध रही है उसने सेहत विभाग नूं भी चिंता विच पा दिता है। पंजाब विच स्वाइन फ्लू के मरीजों की गिनती 102 हो गई है। चिंता की गल है कि स्वाइन फ्लू के हर 5वें मरीज की मौत हो रही है। 102 मरीजों विचों 21 की मौत हो चुकी है। हस्पतालों विच इलाज अधीन 4 मरीजों की हालत नाजुक दसी जा रही है। सूबे विच हुण तक स्वाइन फ्लू के शक विच 4 मरीजों के सैंपल ले जा चुके हैं। 23 विचों 21 जिलों विच स्वाइन फ्लू के मरीज सामने आए हैं। सब तो वध प्रकोप लुधियाना विच है। इत्थे 39 मरीजों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि पाई गई है जिन्हों में 7 मरीजों की मौत हो चुकी है। इस तो इलावा पटियाला 9, संगरूर 7, SAS नगर 6, मोगा 5, बठिंडा 5 और होर शहरों में भी स्वाइन फ्लू के केसों की पुष्टि की गई है। पठानकोट च आम आदमी पार्टी के वर्कर वालों जहरीली चीज खा के आत्महत्या कर ली गई है। इल्जाम पिंड के सरपंच से लग रहे हैं जिसके वालों उसको तंग परेशान किया जा रहा है। दरअसल मामला कानवा का है जिते आप वर्कर वालों घर के बाहर गली के दोवें पासे ड्रेन में पानी की निकासी न होने की गल मीडिया में लिआंदी गई जिसों पिंड का सरपंच काफ़ी नाराज हो गया। तो उसके पुत्रा वालों आप वर्कर को धमकियां दित्तियां गई जिस तों बाद उसने सल्फास खा के खुदकुशी कर ली। मृतक शमी कुमार कानवा का रहने वाला सी अते प्राइवेट ड्राइवर सी। तारागढ़ पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पिंड कानवा की सरपंच नीलम देवी अते उसके दो पुत्रा जीवन कुमार उर्फ लाडी मनजीत कुमार उर्फ मंटू खिलाफ केस दर्ज किया है। सरपंच तो उसके दो पुत्रा खिलाफ थाना तारागढ़ विच केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। सुसल जीती है साडा आम आबाद का ब्लाक प्रधान से कानवा का। 16 तरीक न एक चैनल वाले आए थे साढ़े उसे कानवा तो मैनू भी बुलाया गया से। तो चैनल ने मतलब शमी ने चैनल के उत्ते मतलब जो भी पिंड सरपंच की कारगुजारी से चंकी सी माड़ी सी उजागर की सी। उस तो सरपंच ने जरा बेटे ने बखला के इनू दिन दिहाड़ी जो रोज़ रोज़ जरा इन टॉर्चर कर रहे थे। कदम पूरा टब्बर बेटे को रोकते थे कदम किसी होर रोक के कहते भी तेन ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਟੱਬਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੀ।
संगरूर पुलिस ने नकली नोट बनाउण वाले अते बाजार विच सप्लाई करन वाले आरोपियां नूं काबू कीता है। जानकारी दिंदे होए पुलिस ने दस्या कि तीन दोषियां नूं गिरफ्तार कीता है, जिन्हां कोलों 22,500 रुपए के नकली नोट फड़े गए ने। नकली नोट बनाउण वाले बनाउण लई वरते जांदे प्रिंटर अते कटर नूं हरी टेप अते कागजां नाल काबू कीता गया है। पुलिस ने दस्या कि आरोपी नूं 80 ग्राम हैरोइन दे नाल फड़िया गया है, जो कि उसने नकली नोट दे के खरीदी सी, जिस तों बाद आरोपी बेअंत सिंह नूं काबू कीता गया। मामले ते गहराई नाल जांच की गई है। पता लगा है कि बेअंत सिंह दे नाल इक गुरप्रीत सिंह, जो कि संगरूर दे पिंड काल बंजारा दा रहण वाला है, दूजा संगरूर दे पिंड रोडे वाला दा रहण वाला है, करमजीत सिंह है। आरोपी गुरप्रीत सिंह अपने घर च नकली नोट तैयार करता सी, ते दूजे दो साथी बाजार च नकली नोटा नाल नशा खरीदते सी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੀ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟੋਟਲ 22,000 ਰੁਪਏ ਜੋ ਹੈ ਜਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਟੇਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੇਪ, ਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਾਲੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ, ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੇ ਲਾਸਟ ਮੰਥ ਹੀ ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੈਰੋਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਬੇਲ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ। ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। PFI ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ NI ਦੀਆਂ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। PFI ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 6 ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। NIA ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ PFI ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ NIA ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। NIA ਅਤੇ ED ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ 96 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ PFI ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਰੀਬ 106 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕੋਲਮ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਨੂਰ ਦੇ ਮਟਨੂਰ ਵਿੱਚ RS ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ 'ਚ ਵੀ BJP ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਭੰਨ ਤੋੜ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ ਦੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ PFI ਦੇ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੰਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। RSS ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਇਮਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਉਮਰ ਅਹਿਮਦ ਇਲਾਸ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਭਾਗਵਤ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 104ਵੇਂ ਹਾਈਫਾ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ 3 ਮੂਰਤੀ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੰਘ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਿਆਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ RSS ਮੁਖੀ ਦੀ ਇਲਿਆਸੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਜੋੜੋ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ। ਇੰਦਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ ਦੀ ਸੋਚ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
कांग्रेस ने अपने बुलारिया अहुदेदारा ते पैनल दे मैंबरां नूं 17 अक्तूबर नूं होण वाली पार्टी दे नवे प्रधान दी चोण संबंधी कोई टिप्पणी ना करन दीआं सख्त हिदायतां दित्तीआं ने। कांग्रेस सूत्रां ने दस्सिआ कि सारे बुलारियां अते अहुदेदारां नूं हिदायत कीती गई है कि कांग्रेस प्रधान दे अहुदे लई चोण लड़ रहे किसी भी साथी बारे कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने अपनी हिदायत च कहा है कि प्रधान उम्मीदवार नूं लैके साडी निजी सोच हो सकती है पर प्रधान उहदे बारे किसी प्लेटफॉर्म ते कोई भी विचार नहीं रखना। सूत्रां अनुसार इस विच कहा गया है कि कांग्रेस ही एक सियासी पार्टी है जिस विच राष्ट्रपति दी चोण लई लोकतंत्री अते लोकतंत्र ते पारदर्शी प्रणाली है संगठन देना संगठन विच चोणां करवाउण दा अधिकार है जो स्वतंत्र अते निरपक्ष चोणां नूं यकीनी बणाउंदा है जो आजाद अते निरपक्ष चोणां नूं यकीनी बणाउंदा है। सारिआं नूं इस गल दा ध्यान रखना होवेगा कि चोणां आजाद अते निरपक्ष होण अते इस ते कोई टिप्पणी ना होवे। इस विच कहा गया है कि चोण लड़न दे चाहवान व्यक्तियों नूं नामजदगी फार्म भरन लई अपने समर्थन विच फार्म ते पोलिंग अफसरां दे 10 नुमाइंदे दे दस्तखत करवाने होणगे अते फिर उम्मीदवार बनन लई किसी दी इजाजत दी लोड़ नहीं। राजनीतिक पार्टियां वालों इस साल सूबिया दीआं चोणां विच प्रचार लई किन्ने पैसे खर्चे इस दी सूची तैयार की गई है। दस दईए कि इस साल 5 सूबिआं विच होईआं चोणां दौरान भाजपा वालों सब तो वध 340 करोड़ की राशि खर्ची गई है जबकि कांग्रेस ने 194 करोड़ तो वध खर्च किया है। देश के 5 राज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मणिपुर गोवा के पंजाब विच इस नाल इलैक्शन इस साल इलैक्शन होए भाजपा ने उत्तर प्रदेश विच सब तो वध 221 करोड़ रुपए खर्च किए ने। चोण कमीशन इन दोनों दलों द्वारा किए गए खर्च संबंधी सौंपे गए ब्यूरो विच यह जानकारी सामने आई है। कमीशन ने इस जानकारी जनतक किया भाजपा ते कांग्रेस नूं राष्ट्रीय दल दे रूप विच मानता प्राप्त है। लोक सभा ते राज विधान सभावां दा चोण लड़न वाले दल लई इक समां सीमा दे अधीन होण चोण आयोग नूं चोण प्रचार अभियान विच होए खर्चे दा ब्यौरा देना जरूरी है। हरियाणा के सबका मुख्यमंत्री भुपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी कोल पहुंचे जिथे उन्होंने वालों सोनिया गांधी नाल मुलाकात की गई। जिक्रयोग है कि कांग्रेस पार्टी के वालों नवे प्रधान की चोण की जा रही है जिसले नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। नामजदगियां भरन की प्रक्रिया 24-30 सितंबर तक चलेगी। कई सीनियर नेतावान के नाम भी लिस्ट शामिल ने। जल्द ही कांग्रेस पार्टी नूं नवा प्रधान मिलेगा। 22 साल बाद देश दी सब तो वड्डी पार्टी दा प्रमुख जानी प्रधान चोणां राही चुनिया जाएगा। इस दे नाल ही बयान दिंदे होए गहलोत ने कहा कि वह पार्टी दे फैसले नूं स्वीकार करनगे पर इस तों पहलां उह राहुल गांधी नूं प्रधान बनाउण लई मनाउण दी आखरी कोशिश करनगे। हरियाणा दे गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज दे सूबे के नागरिकों को छेती ही अंबाला तो श्रीनगर तक हवाई यात्रा की सहूलत उपलब्ध होगी। अनिल विज वालों शहरी हवाबाजी विभाग के अधिकारियों नाल मीटिंग की गई है। इस दौरान उन्होंने दसिया कि केंद्रीय नागरिक ते हवाबाजी मंत्रालय ने इसलिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने अधिकारियों नू हवाई यात्रा लई सारिया जरूरी हदायतां पूरिया करन दे निर्देश दिते ने ताजो जनता नू इसका तुरंत लाभ मिल सके। अंबाला तो लखनऊ की हवाई यात्रा की जल्दी ही शुरू की जाएगी। हवाई यात्रा की सहूलत जल्दी ही सूबे के नागरिकों को उपलब्ध होगी। हरियाणा के कुरुक्षेत्र च किसानों का जबरदस्त हंगामा GT रोड जाम कर दिता गया। किसानों वालों सारे रस्ते बंद कर दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन वालों भी कई पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बैरीकेडिंग की गई है। जोश में आए किसानों वालों तोड़न की कोशिश की गई है। किसानों ने कहा कि सरकार वालों साडियां मंगा नहीं मनिया जा रही है जिसके चलते प्रदर्शन किया गया है। किसानों का कहना है कि झोने की खरीद को जल्द शुरू किया जाए। आला अधिकारियों वालों किसानों नाल 3 बार बैठक की गई पर मसला हल नहीं होया। तो इस वेले भी कुरुक्षेत्र च पुलिस के वड्डे अधिकारी मौजूद ने ते किसानों नाल गलबात करन दी कोशिश की जा रही है। दसिए कि सरकार दे वालों 1 अक्तूबर नूं झोने की खरीद की शुरू खरीद जिहड़ी शुरू होगी पर किसानों की मांग है कि पहला खरीद शुरू की जाए जिसके चलते अज किसानों वालों दिल्ली अमृतसर नैशनल हाईवे नूं जाम किया गया ते जबरदस्त हंगामा किया गया है। हिमाचल प्रदेश दीआं चोणां तो पहला होण वाली प्रधानमंत्री की रैली तो पहला कांग्रेस के हिमाचल प्रदेश इंचार्ज राजीव शुक्ला ने कहा कि हाटी भाईचारे नूं ST का दर्जा देना एक जुमला है। मंत्रिमंडल तो मंजूरी लैण नाल कुछ नहीं हुंदा। मसला
संसद च पास करना होगा। राजीव शुक्ला ने शनिवार को प्रस्तावित मंडी रैली तो पहला प्रधानमंत्री मोदी ने नौजवानों बारे सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सूबा सरकार नौजवान रैली के नाम से प्रधानमंत्री को गुमराह कर रही है। सरकार यूथ रैलियां करके नौजवानों का मजाक उड़ा रही है क्योंकि हिमाचल के नौजवान सब तो वध परेशान ने। करीब 5 लाख नौजवान बेरोजगार ने ते नौकरियों की उड़ीक कर रहे ने। अग्निवीर स्कीम नाल हजारा नौजवान दुखी ने। 58,500 सरकारी असामिया खाली पईआं ने जिन्हानू सरकार ने भरिया नहीं। लगातार मंग के बावजूद नौजवानों नौकरियां क्यों नहीं मिल रही हैं। सूबा सरकार तो 70,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। प्रति वोटर 1.5 लाख रुपए के करीब कर्जा है। पिछले 5 साल 51% कर्जा वध्या है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को 24 सितंबर की प्रस्तावित रैली में इन्हों तिना सवालों का जवाब देना चाहिए है। तेजी पंजाब हरियाणा हिमाचल दी खास खबरां वधेरे जानकारी लई जुड़े रहो दैनिक सवेरा टीवी दे नाल। जांदे जांदे नजर मारदे अज दी कुछ खास खबरां ते। कैनेडा स्थित लखबीर लंडा अते पाकिस्तान दे हरविंदर रिंदा द्वारा चलाए जा रहे अतवादी गिरोह दा पर्दाफाश। असले समेत 2 अतवादी काबू। बंबीहा गैंग ने फेसबुक ते पोस्ट पाके नौजवानों नू ग्रुप विच भर्ती दी कीती ऑफर। व्हाट्सएप नंबर कीता जारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तो बाद SGPC दे वल्लों प्रेस वार्ता। फैसला सुनाने वाली बेंच का एक जज RS दे नाल संबंधित। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया लुधियाना विखे 2 रोजा किसान अते पशु पालन मेले का उद्घाटन। किसानों अते खेती माहिरां ने भी अपनी नवीं खोजां कीतियां पेश। पंजाब सरकार नूं नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तो वड्डा झटका। कूड़े का प्रबंधन सही न करन ते पंजाब सरकार नूं लगाया 2,000 करोड़ रुपए तो वध दा जुर्माना। टैरर फंडिंग मामले विच पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी दे एक्शन नूं लैके केरल विच विरोध शुरू। भन्न तोड़ दीआं घटनावां आईआं सामने। RSS मुखी मोहन भागवत की मस्जिद च फेरी नूं लैके पकी सियासत। RSS ने विरोधियों नूं दिता जवाब। भागवत का एक कदम संघ तो बाहर नहीं।